जय हिंद डियर स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से न्यूमेरिकल है ये। द टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एट अ टू टेम्परेचर। बेटी यहां पर जो T1 गिवन है वो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको पता है कि इसमें इससे रिगार्डिंग जितने भी फार्मूले होते हैं सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर लगते हैं, तो हम तुरंत इसको किसमें कैलकुलेट कर लेंगे, 273 ऐड करके इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो 300 केल्विन हो गया। और T2 की अगर बात करें तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और 327 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या करें 273 में ऐड कर लें, तो 3, 2, 5, 1, 600 केल्विन हो जाएगा। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है अगर मैं यहां से लिखूं तो 3/2 kVT या 3/2 RT। लेकिन आप देखें कि अगर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कंडीशन पर देखें यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 3/2 kB और T की वैल्यू देखेंगे तो 300 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हम देखें, काइनेटिक एनर्जी हम देखें बेटा किस पर देखें, 600 केल्विन पर, या हम कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इस पर देखें, 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 3/2 और के बी और टी की एब्सोल्यूट का रखते हैं तो 600, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और काइनेटिक एनर्जी एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका रेशियो 1/2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।